शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। इन बीसीएन और सिटी न्यूज की लाइव पेशकश में आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। कई चर्चाओं के साथ में ये दौर आज तक चलता आ रहा है, संजीदगी का दौर है। आज का विषय भी कुछ संजीदा है। जी हाँ, आज का विषय है क्या है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का रहस्य और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या। इस संजीदा विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा संजीव कुलते जी को। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। संजीव कुलते जी जो है डायरेक्टर और राइटर है फिल्म जगत के। हमारे साथ में है लता शनाया जी जो कि सांस्कृतिक इतिहासकार है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है पूजा मिश्रा जी जो कि हिंदी फिल्म जगत की एक्ट्रेस है, आपका भी स्वागत है पूजा जी। हमारे साथ में है सकीना अली जी जो कि सोशल वर्कर है, आपका स्वागत है सकीना जी। हमारे साथ में है नरेश ठाकुर जी जो कि सोशल वर्कर है, डिप्रेशन एक्सपर्ट है। हमारे साथ में है पुणे से डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, डॉक्टर आलोक आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में अमरावती में सिटी न्यूज के सर्वे सर्वा डॉक्टर चंदो सुजातिया, चंदो जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में है डायरेक्टर इनबीसीएन न्यूज के इमरान शेख जी, इमरान आपका स्वागत है। आइए मैं सीधे चर्चा को ही हाथ लगाता हूं और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं संजीव कोलते जी। संजीव कोलते जी आपका स्वागत है, आपकी ओपनिंग टिप्पणी के साथ में आपको इस चर्चा की शुरुआत करनी है संजीव जी। नमस्ते, संजीव कोलते हूँ मैं, संजीव यशवंत जी। 1980 तक मैं नागपुर के रंगमंच पर काम करता रहा। उसके बाद 1980 के बाद मैं मुंबई में आया। मुंबई में मैंने कमर्शियल प्लेस में काम किया। उसके बाद आज तक के मैंने करीबन 8000 एपिसोड लिख के डायरेक्ट किए हुए, मराठी हिंदी गुजराती सीरियल के, और करीबन 27 फिल्में मेरी अब तक की रिलीज हो चुकी है, जिसमें तानी, रंगकर्मी, कैंपस कट्टा, हिंदी फिल्म भी एक मैंने की थी, एक पल प्यार का, वो भी रिलीज 15 साल पहले हो चुकी थी। रंगमंच से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, चित्रपट और सीरियल से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो विषय है, ये विषय बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट, बहुत दुखद विषय है, क्योंकि एक ऐसे लड़के की तस्वीर सामने आती है सुशांत से, कि जो हर फोटो आप देखिए उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं जी, उसके चेहरे पर एक मासूम सी हंसी। एक ऐसा आदमी जो बुद्धिवादी है, जो फिजिक्स का स्टूडेंट है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अपना काम जानता है, जो अच्छे परिवार से है, और मुंबई में करियर करने के लिए आता है, और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से हालात बन जाते हैं कि वो लड़के को सुसाइड करना पड़ता है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत दुखद बात है जी, और मैं इसका बहुत मतलब ऐसे कौन से हालत थे कि जिसके कारण उसको सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी, और वो जो भी कारण है वो हम सब जानते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले हम सब जानते जी। आज हमको इसी विषय पर चर्चा करनी है सर, इसी का एनालिसिस अपने को करना है। मैं आऊंगा लता शनाया जी के तरफ। लता जी, आपके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में आपको इस विषय पर अपनी ओपनिंग टिप्पणी रखनी है। लता जी नमस्ते। इमरान जी नमस्कार। मैं ओरिजिनली स्पेशल एजुकेटर थी, यानी मन बुद्धि बच्चों के साथ मैंने 23 साल काम किया है जी। और फिर मैं मेडिकल और साइकाइट्रिक सोशल वर्कर भी हूँ, पर सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे, जिसको हम सो कॉल्ड बोलते हैं और हमारे बच्चों को स्पेशल बोलते हैं, इनमें मेरी इंटरेस्ट लास्ट 25 इयर्स में है। तो 40 साल मैं अभी बच्चे और उनके परिवार इनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो जो जो अभी जो डिस्कशन होता है, ये इस विषय में नहीं, सुशांत के बारे में नहीं, बट कोई भी विषय होता है, मेरा रुचि ज्यादा संवाद पे होता है, और जो टॉपिक्स उठाए जाते हैं और उसमें जो एक डिक्लाइन इन अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, जैसे श्री औरोबिंदो वो हमेशा बोलते थे कि भारत का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्या है। हम किसी से समस्या पूछेंगे तो बोलेंगे पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये वो, गरीबी है, वो है, तो वो बोलते हैं एक ही सोल्यूशन, एक ही प्रॉब्लम है कि जो फेम्ड भारतीय इंटेलेक्ट थी, ये जो बहुत ही फेम्ड, पूरा वर्ल्ड से ज्ञान इधर से गया है, वो जो इंटेलेक्ट है वो ये लास्ट 100-200 साल में ना, इट हैज बीन डिटीरियरेटेड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ये जो
अरब्स पहले आए 11वीं सेंचुरी में और फिर एंग्लो सैक्सन्स जो आए, उसके बाद लगातार कॉलोनाइजेशन के वजह से जो हमारी बुद्धि है और जो हमारा संवाद होता है, आज सिर्फ शोर होता है और एक एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीचा दिखाता है। तो जब भी मैं किधर बुलाती जाती हूँ तो आपका एक पक्ष है तो आपको कोई संघी बुलाता है, कोई लेफ्टिस्ट बुलाता है, तो मैं दोनों पक्षों में गिरती नहीं, तो वो फिर तीसरा कुछ फेमिनिस्ट या एक्टिविस्ट बोल के बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारी संवाद की जो, और संवाद पे हम कायम है वॉट एवर, बिकॉज जो अभी व्हाट्सएप और गूगल का रहता है जो कनेक्टिविटी वी कैन से, हाँ नहीं, और व्हाट्सएप और गूगल में ना आपका माइंड यूज नहीं किया जाता है, पैसिव ऑडियंस है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके माध्यम से यह हम एक संवाद शुरू करते हैं और सभी लोगों का जो ऑर्डिनरी रियलिटी जो है, और जो सेलिब्रिटीज इनका जो इनका एक काल्पनिक होता है क्योंकि उनका लाइफ भी बहुत ये होता है, बट ऑर्डिनरी मैं बहुत लोगों से 40 साल में मिली हूँ, ऑर्डिनरी लोगों से, डॉक्टर्स से, पेरेंट्स से, ये मेरा PhD था तो, एंड आई गॉट इन टू माई PhD वेरी लेट इन माई लाइफ 40 साल में, क्योंकि मेरी एक बहुत करीबी सुशांत से रिलेटेड, मेरा एक करीबी दोस्त की लड़की ने सुइसाइड कमिट किया था, तो मेरा पूरा PhD इस इश्यू में है कि 11 साल की बच्ची ने सुइसाइड क्यों कमिट किया, और उस टाइम नहीं होता था। तो इसको मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि उस समय से अभी इतना फर्क क्यों आ गया है और ये सुइसाइड बच्चे या यूथ क्यों करते हैं, तो इस एरिया में मेरी फोकस सुइसाइड और डिप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वी विल डिस्कस मोर एनालिटिकली ऑन दिस, बट आई विल कम टू पूजा जी। पूजा जी, आप एक एक्ट्रेस है और आपने भी काफी दौर देखा हुआ है, आपके अनुभव के साथ में, आपके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में आपकी ओपनिंग। मैं क्या बताऊं, ये इंडस्ट्री जो है इसमें सर्वाइव करना मुश्किल तो होता ही है, और सुशांत का तो फिर भी उसने काफी काम कर रखा था, नाम था, और इस तरीके से उसका चला जाना इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, आई एम हार्ट ब्रोकन। यू नो, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोग कुछ जो यहाँ पर अपने आप को सुपरस्टार्स बोलते हैं, टॉप प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, उन्होंने मिलके मेरा बहुत ही सैबोटाज किया है करियर, पर मैंने कभी अपनी जिंदगी नहीं दी, बिकॉज जो भी है जिंदगी सबसे बड़ी होती है, लाइफ इज बिगर देन ऑल आर प्रॉब्लम्स, ये बात जान के चलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वही हाल होगा जो सुशांत का हुआ। और वो इतना स्वीट सा बॉय था, मैंने उसे देखा है पार्टीज में कपल ऑफ टाइम, स्वीट सा बॉय था, हंसता रहता था, खुश रहता था अपने बंच ऑफ फ्रेंड्स में, उसको ये करना पड़ा, तब तो यहाँ हालत बहुत खराब हो रही है और इसके बारे में कुछ करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि मुजफ्फरपुर से केस डाला गया है इन हाई एंड माइटी लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने सबका जीना हराम कर रखा है, ग्रुपिज्म यहाँ बहुत चलता है, 100% नेपोटिज्म है और ग्रुपिज्म, जो जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उससे बाहर किसी से बात नहीं करता, किसी को अपने ग्रुप में नहीं आने देते, तो इन लोग का बहुत ग्रुपिज्म है, बहुत क्लैनिशनेस है, नेपोटिज्म है, और ये सब मैंने खुद सफर भी किया है, तो मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ इस सब के बारे में। आपके अनुभव को भी हमें थोड़ा बहुत जानना है पूजा जी, आपको भी अपने अनुभव इस डिस्कशन में जरूर शेयर करने हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल आऊंगा सकीना अली जी की तरफ। सकीना जी, आपका स्वागत है, आपकी जर्नी के साथ में आपको इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखनी है। सकीना जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सकीना अली है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं कुछ लाइन डिप्रेशन के ऊपर बोलूंगी। सुशांत सिंह राजपूत एक नाम, वो नाम जो ऐसे टाइम पर था जो सिर्फ ऊपर ही चढ़े जा रहा था जी, जो पता नहीं आगे कर बहुत सारा फेमस स्टार बन सकते हैं उसको, उस दौर पे बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मर गए, बट वो मरे नहीं है, उनके साथ मरे हैं उनकी फैमिली, उनके फैमिली के सपने। हम अक्सर क्या होना है, एक में बंद होके हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ सोचते हैं और उस पर उदास होते हैं, और ऐसा इमेजिन करिए कि दूसरे रूम में बैठकर हमारे जो माँ बाप है वो हमारे ही बारे में सोच रहे कि हे भगवान, मेरी जो बेटी है या मेरा जो बेटा है या मेरा जो औलाद है वो आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, वो हमेशा हेल्दी रहे, उसकी उम्र बढ़ा दो, ये वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, और हम अकेले रूम में बैठकर सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम के ऊपर मतलब सोच कर डिप्रेस होकर फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक गलत
जो है कदम है, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मौत जो है ना, मौत को गले लगाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है जिंदगी को जीना। जीना जब कठिन समय में जिंदगी को जीना। जी मैं आऊंगा नरेश ठाकुर जी की तरफ। नरेश जी आपका स्वागत है। आपकी जो अब तक की यात्रा रही है उस सफर को बताते हुए आपको आज के विषय पर टिप्पणी करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा सिटी न्यूज़ को और चंदेश अजीत को मुझे अवसर देने के लिए कि मैं आप लोगों के बीच अपने विचार अभिव्यक्त कर सकूँ। जी स्वागत है सर। थैंक यू। मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं एक हेल्थ कंपनी का CEO हूँ, सुपर ह्यूमन एनर्जी। जी। और हम लोगों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर काम करते हैं। तो आपका जो मेन विषय है, मैं सीधा उस पे आना चाहता हूँ, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जो मृत्यु, उसका कारण क्या है। तो मेरे विचार से उनके ये जो सुसाइड जो उन्होंने कदम लिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर कारण जो भी हो, अगर हम डेप्थ में जाएं तो 5 मुख्य कारण थे। वो 5 मुख्य कारण ने इतने खूबसूरत इंसान को हमसे दूर खींच लिया, दूर कर दिया। सबसे पहला जो कारण था वो था डिप्रेशन। जी। जिसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि ये एक मेंटल स्थिति है जिससे डील करना बहुत बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज डिप्रेशन, सेकंड इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पर कोई नया टैलेंट उभरना चाहता है और सब लोग जो पहले से वहाँ पर है वो नए इंसान को नहीं आने देते, दिस इज सेकंड पॉइंट इज नेपोटिज्म। तो डिप्रेशन ने उनकी जान ली है, उनके जो कल्प्रिट्स है, ये 5 कल्प्रिट्स है, डिप्रेशन, नेपोटिज्म। तीसरा है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट अराउंड हिम। आज सारी दुनिया प्यार जता रही है, कहाँ थे ये लोग उस वक्त? उस वक्त क्यों नहीं उनसे बात हो रही थी? अगर किसी से भी इंसान को इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो तीसरा किलर उनका ये था। और चौथा किलर जो मेरे हिसाब से है वो है कि लैक ऑफ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। हम चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आगे चल करके एक अच्छा दौर आएगा, ये आशा से ही पूरी दुनिया चल रही है, भविष्य की आशा से। तो उनको किसी भी हालत में ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट नहीं छोड़ना चाहिए था, ये उनका चौथा किलर है। और जो पांचवा किलर है, ये डर कि अगर जो मैं झेल रहा हूँ ये मैंने लोगों को बता दिया तो क्या होगा, तो फियर ऑफ टेकिंग चैलेंज हेड ऑन, ये उनका पांचवा किलर है। तो मेरे हिसाब से सुसाइड नहीं है, ये 5 लोगों ने उसका मर्डर किया है। और ये 5 ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की लाइफ में है और हम सबको इनको मारना पड़ेगा। जब हम इसको कंट्रोल करेंगे या इनको खत्म करेंगे तभी जाकर के हम पर हावी नहीं होंगे। और इन चीजों को, इस मेंटल और इमोशनल इश्यूज को हमें लेकर के इस डिस्कशन को बहुत सीरियस लेवल पे ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता जी, है जी, जी। ना कि ये सोचे कि नहीं फलाने व्यक्ति की वजह से हुआ, फलाने व्यक्ति कदम उन्होंने उठाया है, कदम उन्होंने उठाया है तो हमें समझना होगा कि ये कदम हमारे आसपास और कोई नहीं उठाए, उसके लिए यही कोशिश के चलते हम लोगों ने आज इस जो आज का जो संभाषण है हमारा, हम भी यही दर्शकों तक और हर एक आम इंसान तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। और हर किसी के जीवनी में, जैसा आपने कहा बहुत बेहतर तरीके से कहा, कि ये सारे जो 5 जो मर्डरर है ये सभी तबके में है, सभी फील्ड्स में है, तो हम सभी के लिए ये इतने ही लागू होते हैं। मैं अब आऊंगा चंदू सोजातिया की तरफ से। चंदू जी आपकी टिप्पणी। जी सुशांत की आत्महत्या निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री को तो पूरा हिला गई, साथ ही जितनी हमारी एक सपने देखने वाली जो टीम थी, सपने देखने वाले जो लोग थे उनके ऊपर भी बहुत बड़ा आघात है। जैसे नरेश जी ने बताया कि 5 कारण मनुष्य के स्वभाव खुद ने जो क्रिएट करता है उस पर यदि कंट्रोल नहीं होता तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अब ऐसी स्थिति आने के लिए सबसे बड़ा एक कारण था उसका अकेलापन, कहीं तो भी अकेलेपन नहीं है, 5 कारण को जन्म दिया उसमें। यदि कोई भी उसके साथ होता, कोई भी, कहने का मतलब कि जैसे लॉकडाउन में पूरी दुनिया को अकेला कर दिया, एक लॉकडाउन भी बहुत बड़ा कारण है। यदि लॉकडाउन नहीं होता, फिल्म इंडस्ट्री चालू रहती, सब चालू रहती, तो शायद इन 5 चीजों से निपटने की शक्ति उनमें होगी। पहले भी शायद हो सकता, स्थिति पहले भी आई हो, लेकिन इंडस्ट्री चालू थी, लोगों का मिलना जुलना चालू था, तो कहीं तो भी है।
तो ये जो है ना, हम घूम फिर के वापस जो अभी कारण जनरेट हो रहे हैं वो लॉकडाउन के कारण हो रहे हैं। आत्महत्या कई जगह हो रही है। अमरावती में 3 दिन पहले अभी हमारे एक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, कहीं ना तो भी एक लॉकडाउन का अकेलापन, क्योंकि कंटिन्यू व्यक्ति जब बिजी रहता था तो इस टाइप से जो 5 कारण इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, जैसे अकेला हो जाता तो ये 5 कारण पूरे जनरेट होते हैं और इसको पूरा पूरा उसको एक एटमोसफियर मिल जाता है उसको पूरा जनरेट होने का, उसको डेवलप होने का। तो ये डेवलपमेंट रोकने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि लॉकडाउन ये बता रहा है कि आप अकेले रहो, लेकिन अकेले के रहते सामाजिक दूरियां बनाई, सामाजिक दूरियां उस प्रकार से नहीं, कम से कम आप बोलचाल चालू रखो। सबसे बड़ा कारण इसका है तो एक अकेलापन, जहां आदमी सिर्फ खुद के लिए सोचा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता। खुद के समय में आदमी हमेशा ना मेरे साथ क्या बुरा हुआ, किसने बुरा किया, क्या किया, अच्छाई की तरफ बहुत नहीं सकता कि मैंने इतना अच्छा हासिल किया। यदि वो उस ओर सोचता था कि मैंने इतनी अपनी कहां से निकला, कहां मैंने हासिल कर लिया, ये चीज यदि सोचता तो शायद कहीं सुसाइड उसके दिमाग में आता भी नहीं, होता भी नहीं। तो आदमी ने जो हमने हासिल किया, जो हमसे ऊंचे ना हो उसके सोचकर कि अपने से जो कम उसके पास क्या हासिल है वो देखना चाहिए। जलन का बोला ना, पड़ोसी सुखी है इसलिए हम लोग दुखी होते हैं, तो पड़ोसी के सुख में सुख तलाश करना हमने यदि चालू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से कंपैरिजन करके ही सारे 5ों चीजें डेवलप होती है, तो वो कंपैरिजन हमने टालना चाहिए। कम से कम हमारी पुरानी स्थिति की हम कहां से थे, कहां है, वो चीज पे भी यदि गौर किए तो ऐसी चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, आलोक जी क्या सवाल उठ रहे हैं आपके मन में पैनलिस्ट के लिए? नहीं, सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मेरा मानना है कि सुशांत जी ने आत्महत्या नहीं की है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। हत्या, स्पष्ट शब्दों में, सब शब्दों में कह रहा हूं, ये हत्या है। हत्या क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक पढ़ा लिखा युवा दिल्ली से आता है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फिल्में मिलती है। ये जो 6-7 लोग जो फिल्म इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, और ये जो बॉयकॉट कर रहे हैं, ये हत्या उस वजह से हुई है। अब तो उसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं कि डिप्रेशन हुआ होगा, ये हुआ था, दवाइयां, ये सब फालतू वाली बातें हैं। मैं स्ट्रेट बता रहा हूं आपको कि क्या हुआ है वहां पे। एक डायरेक्टर जो है, जिन्होंने अभी बहुत कुछ खुलासा किया है उसमें जी, कि उनको किस प्रकार एक अच्छे डायरेक्टर को कैसे शहीद करने की कोशिश की गई थी और वो बाल बाल बचे, ये इसके साथ हुआ है। इसके साथ में ये जो गैंगस्टर जो है, आप मुझे ये बताइए साहब कि एक डायरेक्टर को उसके 7 फिल्में साइन किया, 7 फिल्मों का आप उसका रिटर्न कर देते हो, साइनिंग अमाउंट रिटर्न कैसे कर सकते हो, और कैसे करते हो आप रिटर्न? पूजा जी मेरे साथ में है, पूजा जी ने सब चीजों का अनुभव किया है, पूजा जी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने पूजा जी को बहुत करीबी से देखा है और उनका वो दौर भी देखा है। पूजा जी भी उसी लेवल पे चली गई थी, सुसाइड करने के मोड पे थी, और उनके साथ में भी वही घटना। आज अगर हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका लाइव एग्जाम्पल पूजा मिश्रा है। अगर पूजा से अगर पूछा जाए, ठीक है कुछ कारणों से वो नहीं बता पा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। तो ये पूरा अंडरवर्ल्ड का नेक्सस है ये, और अंडरवर्ल्ड पूरा कंट्रोल करता है ये। आप मुझे बताइए कि 7 डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर ने आपको साइन किया है, कल मैं फोन करता हूँ एक एक्टर करके, मैं फोन करता हूँ, मैं तो नाम लेता हूँ चैनल पे, मैं सलमान खान का नाम लेता हूँ चैनल पे। हाँ, आप फोन करते हो और फोन करके क्या बोलते हो आप उसको, वहां से फिल्म से निकाल दो। आप मुझे बताओ किसी एक्टर के बोलने पे कोई डायरेक्टर कभी साइनिंग अमाउंट रिटर्न करेगा? नहीं कर सकता है। उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं इसमें। इसलिए ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने बहुत इसका स्टडी किया है, मेरे जो सोर्सेज है, मेरे जो मित्र, मैंने सबसे बात किया है, इसके बाद मैं ये सब आपको ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है ये कि डिप्रेशन में अचानक डिप्रेशन में चले। अरे वो जिस कैरियर बनाने के लिए जो आया है वहां पे, जो कैरियर बनाने के लिए एक समय, एक पूरा समय गुजरा होगा इस स्थिति में आने के लिए, सुशांत के साथ में भी एक समय गुजरा होगा ना। आपने चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया ना, आपने उसकी फिल्में ब्लॉक कर दी, आपने उसका पूरा पूरा का पूरा हर चीज ब्लॉक कर दी। आप उसको एक चीज बताइए जो उसकी ब्लॉक नहीं की गई है। आदमी जब ये स्टेप लेता है ना, देखिए आप बोलते हैं कि मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था ना, वो तो हमको एग्री करना पड़ेगा कि मेंटली जैसे ठाकुर जी ने बताया है वो ठीक है, लेकिन वो जो घटनाएं जो घटित हुई है, और जो घटना कैसे घटित होती है कि एक बार रुक गया, 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यूअस, यानी अब ये है कि अब मेरे को पैकअप करके यहां से जाना है, यही बचा था, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था।
आलोक जी, कहीं तो भी आपके भाषा में भी कहीं ये नहीं लग रहा कि एक फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ और एक आम आदमी की लाइफ, दोनों की लाइफ अलग है। ये अपनी दुनिया पूरी अलग बसा के रखते, इनको दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। और उस इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड से ग्रसित होने वाला अकेला सुशांत नहीं था, और भी कई लोग ऐसे है। हर आदमी तो आत्महत्या नहीं कर लेगा ना कहीं तो कहीं ना कहीं पूजा जी का, पूजा जी का एग्जांपल दिया ना, नहीं कहीं वही बोला ना उसको, ये उसके साथ में मैं वही बोल रहा हूँ, उसके साथ में यदि टीम वर्क करके काम करते तो टीम वर्क सब संभाल लेती है। मेरा बोलने का मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो अपनी दुनिया अलग बसाते हैं, अलग रहते हैं अपनी पूरी पूरी सारी चीजें, उन चीजों से हटके उनको आम लोगों के साथ भी रहना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने आपको शशांक से मिलाया था, शशांक आज भी आता है तो गांव में वैसे ही रहता है जैसा रहता है करके, उसमें भी वो गुण थे, लेकिन ये क्योंकि उसके सारी चीजें बताए, गांव में जाता गांव सरी का लोगों से अटैच में, जब इतने लोगों का अटैच कोई आत्महत्या करने के लिए सोच सकता है। चंदू जी दो चीजें हैं इसमें, एक तो क्या होता है कि एक बहुत लेवल के जब ऊपर आदमी चला जाता है ना तो उसकी जमीनी जो है वो टूट जाती है, वो आपका सही है। इनकेस ये घटना जो है ना, इसलिए मैंने दो एग्जांपल दिया है, एक आपके सामने जीवित व्यक्ति है जिसने वो सब फेस किया है, सामने है वो उसका परिवार था उसके साथ में, इसलिए वो बच गई। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, उसका परिवार था साथ में। पूजा जी आप थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में, जितना आप टिप्पणी करना चाहते, जितना आप विवरण देना चाहते हैं। मैं जरा कुछ बोलना चाह रहा था इस बारे में। बोलिए। हाँ संजीव जी, मुझे ऐसा है कि मेरा जो अनुभव है जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, मैं भी नागपुर से गया था और जब मुंबई के क्षेत्र में जब मैं आया गया प्रोफेशनल नाटक पर, तो वहाँ पे मेरे ऊपर बहुत हंसे थे, मराठी बोलते मैंने हमारे बोलने में एक एक्सेंट मराठी हुआ करता था जिसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था वहाँ पे, और वो जानबूझ के, क्योंकि उनको पता था कि अच्छा एक्टर है, कल अगर साफ बोलने लगा ना तो ये हमको उठा देगा। लेकिन सर मिश्रा जी, मेरी बात, मेरा एक बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन इसके बारे में, बराबर है, मेरा ये कहना है कि जिस प्रोफेशन में आप जाते हो उस प्रोफेशन में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और स्क्रीन क्या हो सकता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, काम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम मुद्दा भी है यार सभी के लिए। पूजा जी आपके लिए भी ये सुनना बहुत जरूरी है, जिस इंडस्ट्री का स्वभाव है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। हां कलाकार के लिए, जब मैं नागपुर से चला था तो मेरे को पता था कि मुंबई के इंडस्ट्री में इतने आसानी से, जैसे हमारे बॉडी में कोई वायरस जाता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो उसको झगड़ा करते हैं, मारते निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे किसी भी बिल्डर प्रोफेशन में बोलो, किसी भी प्रोफेशन में, जब हमारे प्रोफेशन में हम जाते हैं तो हमको पता है कि हमको कॉर्नर किया जाएगा, हमको तोड़ा जाएगा, हमारे सपनों को डेलिबरेटली तोड़ा जाएगा। और जिस वक्त ये होता है कि भाई आप में टैलेंट है, आप में, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह दिखने इंटेलिजेंट सब जब उसके पास है तो ये सर जंगल की कहानी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जंगल में जब कोई ऐसा शेर घूमने लगता है ना तो जो होते हैं ना ढोलक बजाने वाले और आग लगाने वाले हर करते हैं, उसको जंगल के बीच में घेरते हैं और साले को जला देते हैं। तो यही बात होती है क्योंकि वो लोग इनसे है ना। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उस प्रोफेशन में ये एक्सट्रीम चीजें हो सकती है, लोग आपको कॉर्नर कर सकते हैं। एक मिनट बोलते साहब, जिसके पास से आवाज आ रही है कृपया अपना म्यूट कर ले, वो जिसके भी घर में से आवाज आ रही है म्यूट कर ले अपना, वो जब होगा बोल लेगा। जी 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 बोलिए। मेरा ये कहना कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, अगर आप मैं जा रहा हूँ तो आपको पता है यार क्या हो सकता है वहाँ पे। जब मैं रंगकर्मी हूँ, चेहरे को रंग लगाता हूँ, एक्शन एक्टिंग डायनो, तो मेरे को पता है क्योंकि 100 साल की हिस्ट्री है। ये आज नहीं हो रहा, ये कितने लोगों के साथ हुआ था, ये बच्चन साहब के साथ भी हुआ था, ये बाकी लोगों के साथ भी हुआ, हमारी विदर्भ के आर्टिस्ट जाते हैं उनके साथ भी होता है, तो हर एक के साथ होता है। जो भी कैलिबर है उसको डराया। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब तक संजू जी बात करें आपका मोबाइल म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। और ये जो लोग है जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश लोग है, ऐसे तो कितने कितने, मतलब जैसे सोनू निगम क्षेत्र में भी ये होने वाला है, तो हर क्षेत्र में ये होता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप में इतना जिगर होना चाहिए कि नहीं बस ये सब मैंने देख चुका हूँ, इसके पहले मेरे कई सीनियर एक्टरों के साथ ये खेल हो चुका है, तो मैं ये खेल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसके अगेंस्ट फाइट करूंगा। आप डिमोरलाइज होते हो, इसमें जाते हो और फिर खुद को तुम आइसोलेट कर लेते हो, ये सब एग्रीड कि भाई सुशांत को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई, बहुत ज्यादा उसको किया गया, उसके पास उसका कोई इमोशनल आदमी नहीं था, लेकिन हमको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा
कि ये इंडस्ट्री में भाले लेके लोग खड़े हैं जो हमको टोचने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ने देने वाले। आपका कहना है संजीव जी की ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को पूरी करना पड़ता है, इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और हाँ, ऐसे जो और प्रशांत जो लोग और सुशांत उस चीज में सक्षम नहीं रहा, कहीं तो भी अपना उसने आपा खो दिया। नहीं नहीं सर, मैं क्या बोलता हूँ कि मतलब हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है ना, अपना स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं उसका वो कम, उसमें उसकी ताकत कम पड़ गई, कम पड़ गई थोड़ी ताकत। जैसा इंटेलिजेंट आदमी और इतनी जबरदस्त फिल्म थी, आप धोनी देख लो, आप तो चकित हो जाते हैं कि ये धोनी है कि सुशांत है यार। जी जी, इतना कैलिबर का आदमी है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जंगल जलाने वाले जो होते हैं वो आजू बाजू ये लोग पिरो देते हैं, और पिरो दे करके इन लोगों को डिमोरलाइज करते हैं। सुशांत के आजू बाजू भी ऐसे लोग पिरोए गए कि उन्होंने उनको डिमोरलाइज किया, जिसके अंदर वो बेचारा फंस गया, वो ये हो गया। ठीक है नरेश जी, आपको संजीव जी आपकी बात, और नरेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में मुझे लता जी को एक अहम सवाल पूछना है। नरेश जी आपकी बात, आप म्यूट है, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं संजीव जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि हर प्रोफेशन में हर जगह पर ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जी। मुझे लगता है हमने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खो दिया है, ये तो बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें सर, और पूरा देश दुखी है। जिस दिन मुझे पता चला मेरा कुछ काम करने का मन नहीं हुआ, मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब परेशान थे, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा हो गया था, और हम सब अभी भी शायद कुछ हद तक परेशान होंगे, इसलिए हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन मैं जो पॉइंट रखना चाहता हूँ वो इसलिए रखना चाहता हूँ कि सिटी न्यूज़ के बहुत वाइड दर्शक हैं और बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अभी भी किसी अपने जो भी रेस्पेक्टिव प्रोफेशन में हैं, उनमें से वो दुखी हो, परेशान हो, पीड़ित हो, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज उनको ये देना चाहता हूँ कि सोने को उसकी शुद्धता निकालने के लिए उसको बहुत गर्माया जाता है, तब जाके खरा सोना निकलता है, तपना पड़ता है, सही बात, और हर एक इंसान को तपना पड़ता है। दूसरी चीज, मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूँ कि सुशांत जी जिन्होंने छिछोरे मूवी की थी जो कि डिप्रेशन के अगेंस्ट थी, तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग था कि वहां पर इतना बड़ा मैसेज देने वाला व्यक्ति ऐसा कदम उठाएगा, ये और बड़ा शॉकिंग मैसेज था फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आलोक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लाइव कैमरे पर अपनी बात को बेबाकी से रखा, और मैं भी कहूंगा, मैं जब तक कोई प्रूफ ना हो मैं किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति पर नाम नहीं लूंगा, पर यह मैं जरूर कहूंगा कि यस, नेपोटिज्म है बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा है, और इस नेपोटिज्म को तोड़ना हम सबको जरूरी है। लेकिन एक बार ध्यान में रखा जाए, जो मजदूर क्या बोलते हैं लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ से हजारों किलोमीटर चलने की हिम्मत दिखाई जिन लोगों ने, जी जी जी, कई लोग घर नहीं पहुंचे, क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थे? क्या उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए? क्या वो लोग नहीं किए थे लॉकडाउन से? वो भी तो परेशान थे, वो कोई अपने बच्चे को लेके, कोई अपने बीमार माँ को, पिताजी को लेके गए थे, लेकिन उन लोग मेंटली स्ट्रांग थे, मानसिक स्ट्रांग थे। तो आज जितने लोग भी आपके दर्शक हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि चाहे कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, रात के बाद ही सुबह होती है। थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं इसमें एक ही वाक्य ऐड करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आपके मरने से आपका देह मरता है, आपका जीवन समाप्त होता है, प्रश्न नहीं मरते। बिल्कुल सही, प्रश्न वैसे ही रहते हैं, तो आपको प्रश्नों को मार करके उसके ऊपर जिंदगी जीनी है, आपको खुद को नहीं मरना है, ये बात पक्की है। नहीं, हमारी चर्चा का भी आज का उद्देश्य यही है कि एक सुशांत के नाम पे हम प्रतीकात्मक चर्चा कर रहे हैं, प्रतीकात्मक चर्चा जी, जी। और भी कई लोग होंगे, कम से कम वो तो भी ऐसा कदम नहीं उठाए, क्योंकि मरना सोल्यूशन नहीं है, जिंदे रहेंगे तो सारे सोल्यूशन निकलेंगे, हर व्यक्ति से निपटेंगे। इससे भी ज्यादा कई परेशानी आई लोग, जैसे मजदूरों का उदाहरण दिया, जिसको चलते टाइम पता नहीं रास्ते में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, घर पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, उन्होंने भी अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपने घर तक पहुंचा लिया, वहां पे सुखरूप पहुंच गए। और आज सर इसी बात को आगे आकर ले जाते हुए मैं लता जी को इन्वाइट करना। लता जी, आपने संवाद शैली की बात की थी, कहीं ना कहीं संवाद ये होना चाहिए। आप लता जी, आप सुन रही हैं? जी जी। तो आपका जो संवाद शैली का जो था कि आदमी ने बातचीत करते रहना चाहिए, और एक उदाहरण भी दिया था आपने एक लड़की का कि जिसने आज छोटे उम्र में आत्महत्या कर ली थी, तो कैसे इसको डेवलप करना चाहिए? जैसे कि सभी भीड़ के नरेश जी भी बता रहे थे कि ये हम सबको लागू पड़ता है, तो आम जीवनी में इस ऐसी प्रक्रिया से निपटने के लिए क्या आप टिप्स देती है? देखिए, मैं एक टीचर रही हूँ, स्पेशल एडुकेटर रही हूँ, और मैं ये अभी लास्ट
10 साल में, हाँ मैं 40 साल में बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, पर लास्ट 10 ईयर्स स्पेसिफिकली में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ये 11 साल से, कभी 10 साल से शुरू हो जाता है ये डिप्रेशन, और 55 साल तक, ये अमेरिका में जो हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ अभी अंडर 50 इयर्स, ये ड्रग ओवरडोज और ये डिप्रेशन के लिए 250 मिलियन लोग वहां एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, और जैसे कि सुशांत जी भी ले रहे थे। हाँ, सब लोग ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अभी आप कोरोना इसकी सब बात कर रहे हैं, पर आपको मालूम है अमेरिका लास्ट 7 ईयर से ओपियोइड क्राइसिस से डील कर रही है, यानी सारे लोग, एटलीस्ट 75% ऑफ अमेरिका इज ऑन वन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो डॉक्टर उनको देता है। सही। तो ये सब चीजें हम जब भी छोटे थे हम तो खेलते थे, पेड़ चढ़ते थे, आज आप 1.5 साल में बच्चे को स्कूल भेजते हैं और फिर उसको ना यू नो, हम लोग मंदबुद्धि बच्चों को मिट्टी में खिलाते थे, पानी में खिलाते थे, बाहर लेके जाते थे, आज जो प्रॉब्लम्स में हमारी मेंटली चैलेंज बच्चों में देखती हूँ वो मैं नॉर्मल बच्चों में देखती हूँ। तो ये बहुत डरावना चीज है कि डिप्रेशन जैसी चीज, जितने सक्सेसफुल जैसे दीपिका पडुकोन की एम्बेसडर ऑफ डिप्रेशन, सारी लोग दीपिका पडुकोन जैसा बनना चाहते हैं और वो डिप्रेशन से, सो एवरीबडी वॉन्ट्स अ कार, अ हाउस, सब ये चीजें चाहिए उनको, लग्जरी नहीं। मैं कल किसी ने मुझसे पूछा, एक स्वामी जी है, बोल रहे मैं मेरे स्टूडेंट से पूछ रहा था तुम लोग खुश हो, तो बोलते नहीं हम बहुत खुश है नहीं बोलते, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कुत्ता है, फिर बच्चा है, ऐसा ये ऑर्डर में बोलते हैं, पर तुम्हारे पास डेट कितना है, सबको इतने करोड़ों का फाइनेंशियल डेट है, तो तुमने, आपने एक लाइफस्टाइल चूज किया है लास्ट 20 इयर्स में अमेरिकनाइजेशन से, वेस्टर्नाइजेशन से, तो उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जो चॉइस, ये चॉइस आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने का, जैसे नेपोटिज्म बहुत बात किया जाता है, आई नो माय मेडिकल फ्रेंड्स, उनके बच्चों को मेडिकल सीट के लिए 20 लाख 30 लाख 40 लाख ये अपने बच्चे को देते हैं, तो वहां पे एक कॉकस है, टीचर को भी आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, ये सबके जिंदगी में है। और मेरे पूरे 40 इयर्स का जब भी मैंने पीएचडी सबमिट किया, एक ही चीज था कि फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज, क्यों इतना डिप्रेशन है, अमेरिका इज सपोज टू बी द रिचेस्ट, दो दे आर द मोस्ट इम्पॉवरिश्ड कंट्री, उनके पास पैसे ही नहीं, सब डेट में है, बट हाईएस्ट डिप्रेशन, हाईएस्ट प्रिजन पॉपुलेशन, हाईएस्ट अबॉर्शन, ये अमेरिका में होता है, और हम तो सब अमेरिका बनना चाहते हैं, सबको अमेरिका, क्या भारत में था डिप्रेशन कभी आपने सुना जब भी आप छोटे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हमको इंडिविजुअलिस्ट, सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म में डाला है, तो आप अपना सोचते हैं, आपको लिव इन रिलेशनशिप्स, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट टू स्टे अलोन, फिर आपको आपकी माँ की याद आती है बाद में, फिर आप उधर कनेक्ट होते हो, इन द मीन टाइम द मदर इज इन हर ओन थिंग वॉट एवर, तो ये जो हमारे कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स थे हमने इसको डिसमेंटल किया है अर्बनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते करते अपने संस्कृति भूल गए। साइकियाट्रिस्ट ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज पुश करने की एक कोशिश है, ये डिप्रेशन क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस इज सपोज टू बी वेरी डेवलप्ड, 34% मेंटल, आपका माँ, आपका पिताजी, आपके भाई बहन, आपके घर में जो सर्वेंट है, आपके नेबर्स है, आप इनमें कॉन्टेक्ट रखते हो, यू वॉन्ट टू लिव अलोन, माई सन वॉन्ट्स टू लिव अलोन, ही वॉन्ट्स टू स्टे सेपरेट, आई वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट हाउस, एंड देन आफ्टरवर्ड यू ऑल्सो वॉन्ट योर मदर वेन यू नो यू आर फीलिंग लोनली, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आपने अपने सिस्टम्स को, हम ये सिस्टम्स इसके वजह से हम अभी भी ठीक है, नहीं तो आप कोई भी कंट्री में जाइए वहां पे डिप्रेशन है, पीपल आर अलोन, एलियनेशन, दिस इज और जी डिप्रेशन को किस तरह से संभाला गया है अपने फैमिली के सपोर्ट से, इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ में मौजूद है पूजा जी। मैं पूजा से चाहूंगा कि आप इस अपने जर्नी के ऊपर में क्या क्या आपको तकलीफ और किस तरह से फैमिली ने आपको संभाला ये आप हमको बताए, एक उदाहरण है आपको जी। एक्चुअली क्या हो गया था कि मेरी बहुत सारी आउटबर्स्ट होने लगी थी, यू नो, बहुत ज्यादा, तो बिहेवियरल चेंजेस, वी कैन से दैट, या एंड इट वाज टू मच। मैं अब सोचती हूँ तो इवन आई वंडर कि मैंने उस सबको कैसे हैंडल किया उस टाइम पे, इट वाज रियली रियली टफ, यू नो, इट वाज रियली रियली टफ, कोई था भी नहीं जिसमें मैं कन्फाइड कर सकूँ अपनी प्रॉब्लम्स बता के, कुछ हेल्प, साइकियाट्रिक हेल्प और काउंसलिंग हेल्प कोई भी नहीं था। मेरी कम से कम 35 मूवीज चुराई गई हैं, कैन यू इमेजिन, आज जब मैं बोलती हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, पर जब अब हो रहा है उनके सामने सुशांत के बाद, अब मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, जो आप बोलती थी आप सही बोलती थी, हमने आपकी नहीं सुनी, ऐसे ऐसे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को हर जगह, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ हर जगह,
तो जो भी हुआ गलत हुआ और उसका भार बहुत भारी है. जब आप इतनी मेहनत करते हो तब जाके आपको एक मूवी साइन होती है, उसके बाद एंड मोमेंट पे शूटिंग के पहले ही वो किसी और को दे दी जाए विदाउट एनी राइम और रीजन, विदाउट एनी टेंजिबल प्रॉब्लम्स, तो कैसा फील करेगा आदमी. और ऐसा एंड इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, सो इट अफेक्ट्स योर मेंटालिटी. 35 मूवीज, इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स रियली ह्यूज नंबर. हिंदी एज वेल एज रीजनल, हां मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, हिंदी प्लस रीजनल मूवीज. तो इट मींस कि कहीं ना कहीं एक यंत्रणा इसके पीछे लगी हुई होगी कि जो इस पर ही काम कर रही है कि कहां कैसे इनको बेदखल किया जाए. हां जैसे एक पूरा नेक्सस है इन लोगों का. और मेरे को नेक्सस में पढ़ने का भी नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं करने का है, बिकॉज़ यू नो दे लव इट. एक अकेली लड़की मिल जाए बस, और क्या चाहिए, यू नो दैट्स ऑल दे वांट. तो हाउ योर फैमिली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन देन? हाउ माय फैमिली हेल्प मी इज दैट यू नो दे रियलाइज दैट आई एम गेटिंग वेरी अपसेट एंड वेरी एंग्री एंड दे हेल्प मी यू नो बिकॉज़ द डिप्रेशन वाज क्लिनिकल. सो तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट आपको मिला कि आप अभी काफी हद तक स्टेबल है. हाँ फैमिली का हेल्प मिला शायद उसी लिए अभी आई एम फाइन. आई एम टोटली क्लिनिकली डिटैच्ड विथ एवरीथिंग, वरना मैं बहुत ही अटैच हो जाती थी. अब ना आई लर्न टू ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, दैट्स इट. थैंक यू. सकीना जी, आप सोशल एक्टिविस्ट है और आपने भी कई ऐसा दौर देखा होगा, कई आप ऐसे व्यक्तियों से मिली होंगी कि जो ऐसे डिप्रेशन के शिकार है, तो आप अपने कुछ अनुभव बयां कर पाएंगी जी सुशांत की इस स्थिति से कोरिलेट करते हुए? मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, अप्स एंड डाउन्स. यहाँ तक कि इतना कुछ हुआ था कि सिर्फ मेरी एक अकेली फैमिली थी और एक पूरा मोहल्ला एक तरफ हो गया था जी. हमारा रात दिन एक था और वहां पे मैं अपने फैमिली में एक ऐसी मतलब अकेली बंदी थी जो ये सब सॉल्व कर सकता था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मैंने उस चीज का सलूशन निकाला. मैं कुछ लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ कि आत्महत्या के पीछे ये कारण है, वो कारण है, ये कारण. किसी ने जाके उनको मारा नहीं था, उन्होंने खुद से अपने आप को खत्म किया, अपने सपनों को खत्म किया और अपने फैमिली के सपनों को खत्म किया. एक बॉलीवुड का फेमस एक्टर अगर ये कदम उठा सकता है, किसी भी चीज के मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, तो उनका क्या होगा जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, तो बारिश. नरेश जी ने वही उदाहरण दिया था कि घर जाता हुआ मजदूर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, लेकिन वो अपनी अंदर की ताकत बनाए हुए है और अपने घर तक पहुंच गया. वहीं इतने ओहदे पे जाने वाला व्यक्ति मानसिक तौर पर इतना कमजोर हो गया कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली. तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की मेंटल कैपेसिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, जिसका एनालिसिस जो है लता जी ने किया और नरेश जी ने भी किया. सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी खुद की सुशांत की है, जिसने जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक अपन आप अभी सिर्फ आज अपन फिल्म इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, ऐसी ग्लैमरस वाली तीन और इंडस्ट्री है, एक पॉलिटिक्स है, एक हमारा जिस माध्यम पे हम बैठे हैं वो है मीडिया में. आलोक जी को पता है कितने ही चैनल बने, कितना ही खर्चा किया लोगों ने, लेकिन चैनल तक दिखाया नहीं अपने पास में. ऐसे कई लोग इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए. क्या सबने तो सुसाइड नहीं किया? आलोक जी को बहुत सारा पता है, कितने करोड़ों रुपए लगा के चैनल लगाया जाता है, सारा खर्चा लगता है, लेकिन कोई उसको दिखाने को तैयार नहीं होता. ये भी किस कारण कि बड़े दूसरे चैनल वो मना करते इनको ना दिखाओ करके. राजनीति में भी आमदार खासदार रहा हुआ आदमी एक नगर सेवक की टिकट के लिए कई बार तरस जाता है. यहाँ पे उदाहरण है, हमारे सामने सारे उदाहरण है. तो क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? फिर वापस लगते हैं. एक एक आदमी चार चार पांच पांच बार चुनाव हारता है, लेकिन फिर वापस अगले पांच साल में फिर ताकत से लग जाता है. हमारे यहाँ संजय खोड़ के नाम का उदाहरण, तीन इलेक्शन लगातार हारे, चौथे इलेक्शन में फिर लगा, एक इलेक्शन में पूरी कमर टूट जाती है. ऐसे कई उदाहरण आपको आलोक जी भी देंगे, नरेश जी भी देंगे, जिन्होंने की कई प्रकार से खत्म हो गए, लेकिन फिर नए सिरे से उन्होंने जिंदगी शुरू की. और मुझे नहीं लगता कि सुशांत की जिंदगी खत्म करने का कोई भी ऐसा कारण होगा कि जिससे वो फेस नहीं कर सकते थे. मात्र एक अकेला कारण है कि इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने अपनी दुनिया अलग बसा के रखी है, अपने सपने अलग सजा के रखे है, इनको सबसे अलग रहना है. कहीं तो भी कारण है, किसी से मिलकर नहीं रहना, यहाँ तक कि अपने फैमिली से भी ये कट जाते हैं. तो ऐसी परिस्थिति में इनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई समझाने वाला इनके पास में नहीं होता, ना ये समझने को तैयार रहते हैं.
सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं तो नहीं मानता है, नेपोटिज्म वाले जितने भी होंगे कारण सबके पास में, खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने पूरी इस जिंदगी को खत्म करने के लिए। अच्छा दूसरा मुझे ऐसा लगता था जो बच्चों का जो ग्रूमिंग होना चाहिए था, मतलब जो अगर हम ऐसा बोले कि आज के मेरे हिसाब से आज की जो यंग जनरेशन में देखता हूँ, मेरे साथ भी कई लड़के लड़कियां पहली बार लॉन्च होते हैं, अभी भी मेरे पिक्चर में दो हीरो हीरोइन नहीं लॉन्च हुई है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे इन लोगों का टॉलरेंस है वो कम होते जा रहा है, बहुत कम यंग जनरेशन का। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, उसका एक बहुत सटीक कारण ये है कि हमारे बचपन में एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ये चाचा है, ये बड़े चाचा है, ये दादा है, ये फूफा है, अमका दमका, सब रिलेशंस हुआ करते थे, कॉमन फैमिली कल्चर हुआ करता था, कॉमन फैमिली कल्चर। इवन मैं बोलता हूँ पड़ोस की भी किसी चाची ने एक टप्पू मार भी दिया तो लड़का जाके घर बोले कि उसने मेरे को मारा, तो माँ थप्पड़ मारती थी, उसने बराबर मारा होगा, तुम क्यों कंप्लेंट लेके आ रहे हो, तूने शरारत की होगी। अब के जनरेशन में वो नहीं रहा है, अब की जनरेशन छूट गई है, वो अपना अपना बनाते हैं, अपना अपना घर बनाते हैं, फैमिली से सारा कुल मिला के अकेलापन सबको अच्छा लगता है, अकेलापन ही सबको, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको बंधन नहीं चाहिए किसी पर, अकेलापन से ज्यादा बोल के रखो कुछ को बंधन नहीं चाहिए, किसी का वॉच नहीं चाहिए, किसी की मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, ये सब चीज पसंद नहीं करते। पर लेकिन ये मेरा यही कहना है कि जो लड़के इंडस्ट्री में आना चाह रहे और जो माँ बाप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे, वो दोनों को मेरा ये कहना है कि आप प्लीज अपनी ट्यूनिंग बना के रखिए, आप अपने बच्चे को पहले ये समझा दीजिए जिस भी क्षेत्र में वो जा रहा है वो क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या चुनौतियां हो सकती है, वहां पे कैसा संघर्ष करना पड़ता है, ये आप बच्चे को समझा दो। और बच्चों को ये चाहिए कि समझे अपने माँ बाप की बात को, उनसे कॉन्टेक्ट में रहे, वरना क्या होता है कि ये अकेलापन बढ़ते जाता है। आप एक फ्लैट में दो दोस्तों के साथ रहते हो लेकिन माँ माँ होती है और बाप बाप होता है, जिसके गोद में सर रख के आप अपने सारे प्रॉब्लम बना सकते हो, माँ जैसी ताकत दुनिया में। रत्ना जी की कंक्लूजन की तरफ जाएंगे हम लोग अब। जी जी बिल्कुल, अभी हमारे पास में समय की कमी है, कंक्लूजन टिप्पणी की ओर हम लोग आएंगे और मैं लता जी से शुरुआत करता हूँ। लता जी हमारे पास में बहुत कम वक्त बचा है, अभी आपको अपना कथन जो है अंतिम जो कंक्लूजन टिप्पणी जो है अभी आपको रखनी। लता जी क्या आप मशवरा देना चाहेंगे इस स्थिति से कैसे निपटें? चीज है वेरी क्लियरली मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यू नो नेपोटिज्म, फिर साइकाइट्रिस्ट लेके आना चाहिए, ये वो एक चीज ये है कि पेरेंट्स, यू नो हम लोग माइग्रेंट्स की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, पर आप देख लीजिए लॉकडाउन में 2 महीने में जो भी छोटे बिजनेसेस थे इनके भी, इनके घर में पैसे नहीं आते थे, या मेरे घर में जो काम वाली है 3 महीने उसके, और मेरे पास भी नहीं है उसको देने के लिए क्योंकि मेरे घर में भी इनकम नहीं आया है। पर हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम बोल के एक ये था, तो मेरी काम वाली हो या जो मेरे मेरा जो गराज में काम करता है वो मुसलमान है, तो उनके मस्जिद में उधर जो भी लोग हैं, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरा होगा, क्योंकि कोई ना कोई है हमारे परिवार में, और ये सिर्फ परिवार नहीं था, जाति व्यवस्था हमारी कम्युनिटीज में थी, ये हमने पूरा हटा दिया। और ये इसमें पेरेंट्स की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन कॉलोनाइजेशन इतना फास्ट आया क्योंकि सबने माइग्रेशन किया बॉम्बे को और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। तो अगर हम वापस हमारे कम्युनिटीज और परिवार इनको वापस लेके आते हैं, एंड आई फील द रीजन वाई सुशांत decided to take this step is he felt that alienation, क्योंकि बिहार में मैं एक मेरे स्टूडेंट के शादी के लिए गई थी, तो पूरा परिवार पूरा गांव आया था शादी के लिए, सब माँ 3 दिन गांव में किसी ने खाना नहीं बनाया, and I think he missed that, he came from बिहार, he tried to be this you know independent, live in relationship, girlfriend, whatever, but he missed that family, he missed that परिवार। If we bring this back, no, हमको psychiatrist, grandmother चाहिए, दादियाँ कुछ क्या किधर गई है? बिल्कुल बिल्कुल सही। We everyone agreed. We all are missing that. आप online mobile phones में बच्चों को डाल रहे, 2 महीना आपने son को निकाल के रखा, they will have rickets now, bone disorders, और vitamin D जब भी कम होता है तो depression होता है। Air conditioning में आप बैठते हैं तो depression होता है। I'm dealing with 6-year-olds with vitamin D deficiency. That leads to depression. That's one of the biggest causes of depression. तो आपका lifestyle पहले आप change कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा, और फिर resilience। Correct. ना आई जी मैं अभी नरेश सर के पास में आऊंगा। नरेश जी आपकी conclusion टिप्पणी चाहेंगे सर। बहुत कम समय पे। Thank you so much। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप WHO की रिपोर्ट देखे तो हर साल 800,000 लोग पूरी दुनिया में सुसाइड करते हैं। और WHO is a fake. WHO reports are all doctored, यार। ठीक है, अभी हम तो रेफर करते हैं तो हम कह सकते हैं। जी 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 प्लीज कैरी। डॉक्टर्ड हाँ। ओके ठीक है मेबी। लेकिन इतना तो सच्चाई। WHO only pushes drugs, so they want psychiatrists and counselors.
दैट इज वाई WHO रिपोर्ट्स आर डॉक्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल US का 99% लिटरेसी बताया उन्हें, बट एक्चुअली 27% कैन रीड ओवर द 8th स्टैंडर्ड लेवल. अमेरिका इज एन इलिटरेट कंट्री. WHO and media give you false statistics. I think it's very important to. So that is a Lata ji, that is another matter of debate. But let me come to. We understand what. To give proper statistics because lies come through, and this is what people work on, and then give these kind of. I think it's very clear to give because WHO statistics are doctored. Please. Okay. Naresh ji, with all due respect to you, I just want to say. My respect. I just gave you a statistic. Please carry on, Naresh ji. The point I'm trying to make is we have to acknowledge that suicide, depression, this is a real problem for a lot of people, and we have to deal with that. That is a real thing. Main solution pe aana chahta hun, kyunki humne problem solution. Ji, that is more important. Solution ye hai ki proper parenting honi chahiye, jo Lata ji ne kaha, main unse totally agree karta hun. Jab tak parenting proper nahi hogi, तब तक ये चार चीज़ें आएंगी. जॉइंट फैमिली को और एनकरेज करना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है उसको एनकरेज करने की ज़रूरत है. मैं आलोक जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है, बिल्कुल सही, तो हमें उस सिस्टम को भी सुधारने की ज़रूरत है. मैं पूजा जी को सैल्यूट करता हूँ कि 35 फिल्म्स निकालने के बाद भी अगर वो इस चीज़ को हैंडल कर रही, तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई हैव नोन. मैं चंदू जी को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर सब्जेक्ट पे इतने अच्छे अच्छे लोगों को इस पैनल में दिया, और मुझे भी आने का मौका मिला, आप लोग से बातें सुनने की मिली. सॉल्यूशन के नाम पे मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारी जो मतलब संस्कृति है, वो संस्कृति में जो हमारे कुछ स्तंभ हैं, अगर उन स्तंभों को हम फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं. उसमें अगर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अगर ये अष्टांग योग को हम फॉलो करें, तो लाइफ में ये सब सारी चीजों की चीजें लाइफ फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक में आप जी सकते हैं. तो अष्टांग योग को फॉलो कीजिए. अगर वो नहीं कर सकते तो सिंपल चीज कीजिए, ब्रेन में ऑक्सीजन आप भरिए, सुबह 5 मिनट अपने आप के लिए निकालिए, सबको छोड़ दीजिए. अगर अकेले रहना है तो अकेले रहना सीखिए. सुबह प्राणायाम कीजिए, अच्छी बार आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जो डिप्रेशन शॉर्ट से निकल जाएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी. हो सके तो 15-20 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए. अकेले रहने का बहुत ज्यादा शौक है तो बुक्स के साथ अकेले रहिए, अकेले रहने का बहुत ज्यादा शौक है, मेडिटेशन करना सीखिए. अकेले रहने का बहुत ज्यादा शौक है तो डिप्रेशन हैंडल करना सीखिए. और अकेले रहने का और भी ज्यादा शौक है तो दूसरों की मदद करनी सीखिए. लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा. हेल्प अदर्स बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू जनरेट पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू नरेश जी. मैं अभी पूजा जी के पास में आ रहा हूं. पूजा जी, आपकी कंक्लूजिंग टिप्पणी. म्यूट है आप. मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया. अब आई जस्ट होप कि आगे ये सब किसी के साथ ना हो, एंड आई होप एवरीबडी इज हैप्पी विथ गेटिंग व्हाट दे डिजर्व. दैट्स इट. और क्या मैं बोलूंगी, और कुछ नहीं बोलना मुझे. थैंक यू पूजा जी. मैं सकीना जी के पास में आऊंगा. सकीना जी, आपकी कंक्लूजिंग टिप्पणी चाहेंगे. मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर खुद को खत्म मत करिए. आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के लिए आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्पेशल है. तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने फैमिली के बारे में सोचिए. डिप्रेशन निकलने का मैं आपको एक बहुत ही फायदेमंद सोल्यूशन ये दूंगी कि आप लोगों की मदद करिए. जितना आप मदद करेंगे उतना आप ये मतलब ये फीलिंग आपको आएगी कि आप अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे. इतने खुश होंगे कि डिप्रेशन के लिए आपके बिल्कुल लिए सही बिल्कुल सही आपको अपने आपको अपने 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 एग्जिस्टेंस का एहसास होगा उससे. यस जी. तो मैं थैंक यू सर. कहना चाहती हूँ कि प्लीज शेयर कीजिए, जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा. थैंक यू सो मच. संजीव सर आपलं कंक्लुजन टिप्पणी कमीत कमी शब्दात, वेळ कमी आपल्याकडे. तो एक तर असं आहे की सुशांत सिंग को मैं एकदम तहे दिल से श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ. एक बहुत अच्छा कलाकार हमने खो दिया है. और मैं जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले लड़के है, हीरो हीरोइंस है, जो इंडस्ट्री में काम करे, उनको ये क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि भाई ये है, ये फैक्ट है. क्योंकि ये राक्षस जो है जिन्होंने उदाहरण बन गया, अभी उदाहरण हो गया, उदाहरण बन गया बेटा आपके लिए. ये चुनौती है और ये रणांगण है.
तो इसमें रणांगण में उतरने के लिए आपको कभी भी डिमोरलाइज होकर आप जंग नहीं जीत सकते हो, तो अपने आप को इतना मजबूत रखो कि मेरे को ये आने, क्योंकि जो सशक्त होता है जिसमें ताकत होती है और जो जीतने की ताकत रखता है उसको लोग डराते हैं, उसी के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो आप ये समझो कि अगर आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो आप स्ट्रांग है, अपने आप को और मजबूत करिए और स्ट्रांग करिए और इंडस्ट्री में डट के खड़े रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। बिल्कुल गिव अप, लाइफ गिव अप करने में कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद संजीव जी, मैं आऊं जी। इमरान जी महाभारत के समय है, मैं समय हूँ। जी जी जी, ये सब सुनने के बाद मैं एक ही कंक्लूजन में जाता हूँ कि फिल्में को हमेशा समाज का आईना माना गया है ना, और जिस तरह से सुशांत ने सुसाइड की है, सुशांत की कितने फॉलोअर हो गया आप देख सकते हो, आजकल का लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इस प्रकार के सुसाइड से समाज में क्या असर जाएगा और इस प्रकार के सुसाइड को रोकने के लिए क्या कदम उठ सकते हैं। ये वक्त है अभी कि सब ने बॉलीवुड जो सेक्टर में, जैसे संजू जी ने बताया और आलोक जी ने बताया, जिस तरह की जो खींचतानी हो रही है इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये रोक नहीं पाया तो ऐसे सुसाइड होते रहेंगे और उसका असर पूरे देश में होगा और देश के युवा पर होगा। तो ये कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ खुद को मोटिवेट करना, जैसे सबने बताया, लता जी ने बताया, नरेश जी ने बताया, खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना ये बहुत बेहद ही जरूरी है। म्यूट है जी। आलोक सर, मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा। बिल्कुल लीजिए सर। हाँ, सकीना जी ने बहुत अच्छी बात की, जो जिससे डिप्रेशन बहुत जल्दी दूर होता है कि आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सबसे बेस्ट उन्होंने चीज बताई है कि आप दूसरों के बारे में सोचिए, और ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस कलयुग में अगर आपको सबसे बड़ा पुण्य का काम अगर कोई है तो आप दूसरों का अच्छा सोचिए, उसको पुण्य आपको मिल जाएगा। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे दूसरों के बारे में, इसलिए हम पापी होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर दो, मैं मुद्दे पे आता हूं कि इसमें अब क्या करना चाहिए आगे, क्या आत्महत्या हो गई, सब हो गया, सब लोगों ने अपना अपना अच्छे अच्छे पक्ष रखे, इसमें करना ही चाहिए। सरकार की अहम भूमिका इसमें आ जाती है, सिर्फ लफ्ज और बातें उसे काम नहीं चलने वाला है। मैं सेंट्रल की सरकार को ये कहूंगा कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, कि आपने ट्वीट कर दिया इससे नहीं चलेगा। जिस प्रकार यही इस प्रकार की घटनाएं आपको याद है कि क्रिकेट में भी हुआ करती थी, 5 प्लेयर मुंबई के होते थे, 5 प्लेयर दिल्ली के होते थे, 1-2 प्लेयर आपके बैंगलोर और हैदराबाद के होते थे। ये उस समय क्रिकेट में चलता था। उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार बैटिंग और ये क्या क्या चीजें होती थी, उसकी सुधारणा किस प्रकार हुई, उसमें जब कई प्लेयर जब अंदर गए और ये सब चीजें, जब पूरा स्कैंडल जो था ये सब बाहर निकला, तो उसके बाद में क्या हुआ कि आज देखो आप, महेंद्र सिंह धोनी आपके सामने है, छोटे छोटे शहरों से अब आए हैं। अब ये चीजों के ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब इस पे ब्रेक लगेगा, और ब्रेक किस प्रकार लगेगा, सरकार को इसमें टफ एक्शन लेना पड़ेगा। बोलते जी ने बहुत सही बात बोली कि मेंटली बच्चा जब वहां पे जाए तो आप उसको मेंटली प्रिपेयर करके भेजें, ये बच्चा मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आया था कि इस प्रकार इसका चक्रव्यूह में भी फंसेगा, ये चक्रव्यूह में फंस चुका था और चक्रव्यूह फंसने का इसको रास्ता नहीं पता था। तो ये जो संजीव कोलते जी ने बताया बिल्कुल सही बताया, लता जी ने कहा कि भाई हम हमारे बाकी सब चीजें भूल गए ना, हमारी जो चीजें है, हम ना इंडियन रहे, ना हम यूरोपियन रहे, ना हम वेस्टर्न, कहीं के नहीं रहे, हम बातें भारतीय करते कॉपी वहां, ना वहां के रहते ना, आप एक फॉलो कर लो ना, या तो आप पूरे भारतीय बन जाओ या आप उनको पूरा कॉपी कर लो, ना हम यहाँ के हैं ना वहां के हैं। तो वो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। डिप्रेशन जो है इस देश में 60 करोड़ लोगों को 2 समय का खाना नहीं है, उन्होंने डिप्रेशन में जाना चाहिए, वो लोग डिप्रेशन में नहीं है, यानी जिनको खाना नहीं है, बेसिक चीजें जिनके पास में नहीं है वो डिप्रेशन में नहीं है, और जिनके पास में सब चीजें हैं वो डिप्रेशन में है, ये कैसा है। तो ये जो डिप्रेशन वाली जो बातें हैं कि सबके पेट भरे हुए हैं, मेंटली आप क्यों वीक हो रहे हैं, क्योंकि आप सब चीजें भूल गए हैं, फैमिली के साथ में आपका अटैचमेंट है ही नहीं है, आप डिटैच हो चुके हैं फैमिली, अकेलापन जब है, यानी इसमें भी स्वार्थ है, मैं तो बोलूंगा इसमें भी स्वार्थ है, क्यों स्वार्थ है। अब आपको याद आ रही है गाँव की, क्यों भाई पहले क्यों नहीं आई आपको याद,
पहले क्यों नहीं माँ बाप को बुला लेते वहां पे, क्योंकि आपको तो गर्लफ्रेंड के साथ रहना था, रहते ना परिवार के साथ में वहां पे, आपका घर छोटा था क्या, आपका तो 6 बेडरूम का था ना, माँ बाप को भी रख लेते वहां पे, भाई बहनों को भी साथ में रख लेते उस समय आपको। नहीं नहीं नहीं, मेरा पर्सनल, तो ये जो पर्सनल वाली चीज है तो भैया ये तो सब चीजें होने वाली। तो संयुक्त परिवार के बारे में जो बताया गया नरेश जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ये सब चीजें प्राणायाम, अब प्राणायाम 5 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं आप, और दुनिया भर की सब बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको करना पड़ रहा। और पूजा को मैं धन्यवाद दूंगा कि पूजा ने जिस प्रकार से इतना सब होते हुए भी इसमें से वो निकली, वो बहुत बड़ी धन्यवाद की पात्र है। और पूजा तुमने तो लोगों को इंस्पिरेशन और देना चाहिए कि तुम्हारी तो 9 फिल्में गई, 6 मेरी 35 गई है, फिर भी मैं हंस रही हूँ, मेरी 35 फिल्में गई हैं। मैंने इतने FIR किए हैं और बड़े बड़े कलाकारों के खिलाफ उसने FIR किए हैं, हाई कोर्ट में केसेस चल रही है, अकेली लड़ रही है, कोई साथ नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई उसके साथ में नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से कमजोर हो गया, लेकिन कमजोर क्यों बनाया गया उसको, उसके बारे में जो सरकार का काम है उसके सरकार ने करना चाहिए। और संजीव कोलते जैसे जो लोग हैं, जो सीनियर जिन्होंने इतने फिल्मों के लिए काम किया है, इन लोगों ने यंग जनरेशन को जैसा वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, लता जी जैसी हैं, सकीना अली जी हैं जिन्होंने बताया कि मैं अकेली थी, पूरा पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ था, लेकिन उनकी एक सोच जो है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सकीना आपको सैल्यूट करता हूँ, आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें, आप दूसरों के बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पता कर, ठीक है चंदू सर, समय बहुत कम बचा है। अली दिमाग शैतान का घर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, मुझे यहां से जाते हुए नहीं दिखी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कहीं तो भी हमारी सोच जो होती है अंतर्मुखी हो जाती है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम कंपेयर करते हैं आगे के लिए, हमने जो हासिल किया उसको कभी कैलकुलेट नहीं करते, हमको जो हासिल नहीं हो रहा हम उसके पास पाने को। मैंने पहले भी बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमारा पड़ोसी सुखी है। अब सुशांत सिंह ने इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली, जैसे आलोक जी ने बताया कि क्रिकेट में पहले अवसर था धोनी सरिका दिख रहा था, सुशांत सरिका भी तो हमको वहां दिखा है ना, फिल्म इंडस्ट्री ने भी कोई कपूर फैमिली पे और खन्ना फैमिली पे सीमित नहीं रही है। आज देखो कि कितने ही नए चेहरे हम फिल्मों में देखते थे, हमको चेहरे पे नाम नहीं, हमको पूछना पड़ता है ये कौन है करके, आज फिल्म इंडस्ट्री के भी हाल है, सबको चांस नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं। अब कोई बहुत ज्यादा अपनी गति से ज्यादा तेज दौड़ना चाहता है तो निश्चित स्थापित लोग कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाएंगे। ये संजय कुलते जी ने भी बताया कि इस सिस्टम से उसने वाकिफ होना चाहिए था। मैं तो इसको मात्र कायरता के अलावा कोई कारण नहीं दूंगा कि सिर्फ एक कायर पने के कारण आज जी भी जाते तो बहुत होता, क्योंकि फिल्में नहीं मिलती, इंडस्ट्री से बाहर हो जाते। कई लोग ऐसे इंडस्ट्री से बाहर हो गए, हमने राजन कुमार के लड़के को देखा था, पहली फिल्म बहुत जबरदस्त हिट आई थी उसकी, लव स्टोरी जी, कहीं नजर नहीं आया, कहीं वो डिप्रेशन में गए। हमने साथ में इसको भी देखा था, संजय दत्त को पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसकी, क्या वो बाहर चले गए? कितना बड़ा सदमा सहन करके संजय दत्त बाहर आए, जेल में रह के बाहर आए हुए, कहीं उन्होंने डिप्रेशन किया? पिताजी उनके एक बहुत रिस्पेक्टफुल आमदार भी थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नायक भी थे, क्या उन्होंने इस चीज से बाहर गए? कई सारे उदाहरण थे उनके सामने अपने को खुद को बचाने के लिए, कहीं उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। पैसा जिसके पेट में तकलीफ है वो जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं करेगा, जिसको पेट के लिए लड़ना है, दो समय की रोटी के लिए लड़ना है, उसको आत्महत्या के लिए नहीं सोचता। वो सोचता है कि जो मेरे पास हासिल है दूसरे के पास ज्यादा है, मेरे पास वो कैसा है, वो प्राप्त करने में मेरे साथ में रुकावटें कैसी आई। तो इसके लिए 101% जिम्मेदार अकेला खुद सुशांत सिंह है, उसका कायराना हरकत है। कहीं पे भी इस इंडस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा प्रेशर नहीं दिया जैसे बता रहे कि हत्या किया गया, उन सब चीजों से बच सकता था, उसके पास में सारे वेपन्स थे इस चीजों से बचने के लिए, लेकिन उसने उपयोग नहीं किया। कहीं तो भी और गहरी साजिश भी इसमें हो सकती है उस आत्महत्या के लिए, वो हो सकता तलाश करे ना करे, सरकार उस तरफ जाए नहीं जाए, लेकिन आत्महत्या किसी भी चीज का पर्याय नहीं है, क्योंकि आपके पास में जिंदगी एक ही है, अनुभव करने के लिए भी और जीने के लिए भी। यदि आत्महत्या आप अनुभव के रूप में अपनाते हैं तो उसका अनुभव देखने के लिए आप रहते नहीं है, तो इसलिए अनुभव जिंदे रह के रहा जाता है, तकलीफ सह के आप रह सकते हैं। दूसरों की बताया ना कि सबसे खाली दिमाग शैतान का घर, आप खाली हो खुद के तरफ सोचोगे, बजाय बेहतर है कि आप दूसरों के लिए सोचो, नहीं सोचो तो कम से कम जो आपसे कमजोर हो उसको से खुद का कंपेयर करो,
मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार के कोई भी डिप्रेशन में जाता है। मेरी जिंदगी में कई ऐसे कारण आए डिप्रेशन के लिए, लेकिन क्या है, हमको तकलीफ है, हम दूसरों को तकलीफ देके हमारी तकलीफ कम कर लेते हैं। मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है, मैं तकलीफ में आया, चार लोगों और तकलीफ में डाल दो, उसकी तकलीफ से अपनी तकलीफ कंपेयर करो, हम सुखी है। रत्नाकर जी, लता जी कुछ बोलना चाह रही थी, एक लाइन में लता जी, एक लाइन, दो लाइन। सिर्फ एक पॉइंट, एक तो मैं सोचती नहीं गवर्नमेंट का बच्चों को बड़ा करना और मेंटल हेल्थ ये इश्यूज वेलबींग गवर्नमेंट का नहीं है, समाज का है, परिवार और कम्युनिटी का है और सामाजिक जिम्मेदारी। और सेकंड है कि बहुत सारे बच्चे आजकल डिप्रेशन और सुइसाइड, IIT के बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मम्मी ने पार्टी के लिए ताज में नहीं छोड़ा तो 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की इधर सुइसाइड, तो तभी आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कभी माँ बाप को जाके PIL करेंगे या बोलेंगे माँ बाप ने हत्या की है बच्चे की? इसके बारे में सोचो, मैं खाली ये सोच के लिए बोल रही हूँ। अपेक्षाएं सीमित करनी पड़ती है, बहुत बड़ी अपेक्षाएं मत करो, अपनी खुद की ताकत पहचानो कि हम कितनी अपेक्षाएं पचा पाते हैं। माँ बाप को भी अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, यदि आप माँ बाप को बोल दो ना कि नेपोटिज्म है या जो भी है, हम PIL करेंगे, उसने हत्या किया है, अपनी क्यों हम खाली एक सेलिब्रिटी के लिए हम ये बोलते हैं ना? ये सेलिब्रिटी का उदाहरण लेकर, हम सभी के लिए इस बात की बात उठा रहे हैं ना, एज अ मीडिया इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि इतना प्रेशर हो रहा है पेरेंट्स से, उनको स्कूल ट्यूशन इसमें डालने, उनको खेलने को वक्त नहीं मिलता है, दिया नहीं जाता है। तो आप इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट करके, क्योंकि हम पेरेंट को नहीं बोलते ये बच्चे ने सुसाइड कैसे किया, आपको हम अभी उसके आपके ऊपर केस डालेंगे, नहीं चलता है, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी, एवरीबॉडी इज वर्क्ड आउट, व्हाट अबाउट आवर ओन चिल्ड्रन एंड आवर फैमिलीज? You know, I think this should be thought of. It's just a question. Yes, correct. This may be a subject for our another topic. But anyway, right. मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बिहार जैसे एक छोटे से गांव में सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक पौधा उत्पन्न होता है, वो अपने सपने लेकर मुंबई जैसे बॉलीवुड की जगत में आता है और यहाँ पर यह पेड़ अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। लेकिन जब ये पेड़ अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है तो कई आघात इस पर होते हैं और इन आघातों को सहते सहते ये पेड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी को जब वो छीन नहीं सकता तब वो पेड़ धाराशाही हो जाता है। जिंदगी यहां रुकती नहीं दोस्तों। बॉलीवुड ने एक बेहतरीन गीत दिया है, कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, ये दिन भी ढल जाएंगे, लेकिन उम्मीद है हम सभी को, जैसे लता जी ने कहा कि ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही लागू नहीं होता, हम सब के लिए लागू होता है। बेहतर पेरेंटिंग, बेहतर व्यक्तित्व बनने के लिए बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर शेयर की गई और बेहतरीन शेयर के लिए मैं सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही किसी और चर्चा के साथ में फिर हम आपके सामने शामिल होंगे। धन्यवाद।